ये बात साची है कि गुजरात में भूतकाल में बधा मुख्यमंत्रीओ डांग जेटली वक्त गया हे एना करता वधारे वक्त हूँ गयो छु। कोई ने प्रश्न उठे स्वाभाविक है, जे काम करे ने एने समय नो प्रश्न नहीं होतो, जे न करे ने एने समय ना प्रॉब्लम होय छे। तमे जोजो आ दुनिया नो नियम छे, जे नवरो होय ने एने तमे कहो के अत्यारे मारे मळवू छे आवो, तो ना हमणा नहीं, हो जरा पछी वात करीए आपणे। नवरो जो है साहब, अन जे काम करो होय के एम करो ने भाई, तो जो नौ वगे आई जाओ तो नौ 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 पांच की वजह आप एडजस्ट कर लीजिए, बेसी लीजिए, तुम आई जाजो ने। खरेखर जो काम करना मानस हो समय की क्यारे खोट पड़ती नहीं, भरपूर समय है अपनी पास, आपने समय उपयोग आवड़ो नहीं। विद्यार्थी मित्रों, मारी विनती है कि जो तमने शक्य हो तो बेन्जामिन फ्रेंकलिन जीवन वाँचो, ये अमेरिका राष्ट्रपति था। आम तो जीवनचरित्र वाँचवा जो, पर एमना जीवनचरित्र अंदर विशेषता है। एमने पोता ने शूत काम बहु करे तो लोग फरियाद करे कि ते आ नहीं करता, ते मलता नहीं, ते एट पी एमने थू हाड़ो आम आटलू बधी मेहनत करूँ तो एम मैंने तो फरियाद आया करे। एट एमने अभ्यास चालू करो पोता एक डायरी बनाई, एम एम लख्यू भाई करवा जेवा कामों के करया, न करवा जेवा कामों के करया, न करूँ तो चाले एवं काम के करया, करिए तो ठीक ने ना करिए तो ठीक, एवं काम के करया। पीछे टीकमार्क करवा मांड्या, सोमवार जेटला काम करे बधुं टीकमार्क करे, मंगल अठवाडिया पछी हमने जोयु के करवा जेवा काम ओछा ओछा कर्या था, न करूँ तो चाले एवं बधा ज कर्या था। का आपणने ज खबर नथी होती कि हुं आ न करूँ तो चाले भाई, पछी करी जवाय तो ने, पण आपणे नक्की नथी करता, प्रायोरिटी नक्की नथी करता। अने आ जो सहेज आपणे टेव पाड़ी दईए कि करवा जेवा कामोमां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो तमे जोजो तमारा बधो समय उपजाऊ थई जशे, एमांथी कई ने कई आउटपुट मळ्या करशे। बीजू के लोग एम कहे खूब काम कर थाक लगे, आ खोटी बात है। खूब काम करो ए थाक ना लगे, खूब काम करो ए संतोष थाय। तमने साहेब होमवर्क आप बधाने आप जो पूरु करो ए कहू हाश एवं थाय नहीं, आ सत्य है। अने बाकी हो तो मम्मी हूँ दूध लेवा नहीं जाऊँ, मार लेसन बाकी है, हूँ मम्मी हूँ नाना भाई नहीं जमाड़ू, मार दूध बाकी है, अरे मम्मी तू रेडियो बंद कर ने, मारू लेसन बाकी, एवं चाले घर में, कारण काम बाकी है। खरेखर काम कर्यानो थाक होतो नहीं, काम कर्यानो संतोष होय छे। अने जीवन में तमे जोजो कोई दिवस काम नो थाक लागे ज नहीं। आ खोटू भ्रम है, बहु काम है थाकी गयो, कां तो पछी तमे न करवाना बधुं करता हो तो थाकी जता हो। अने तेथी समय नो उपयोग केवी रीते करवो, समय बर्बाद न थाय एने तरफ आपणुं ध्यान होवुं जोईए। मने याद छे एक बार हूँ केका शास्त्रीजी, तमे नाम सांभळ्युं हशे, बहुज मोटा आ राज्यना खूब मोटा विद्वान, एमनी साथे एक बार हूँ प्रवास में गयेलो। अने लगभग दस दिवस मारो प्रवास हतो, अने मने एम के आ वडील नी सेवा करवानो मने अवसर मळ्यो छे, एमनी सेवा करूं। ए वक्ते एमनी उम्र लगभग 85-90 नी आसपास तो हशे, ए गुजरी गया था, एमनी उम्र 102 वर्ष हती, अने आपणे एमनी शताब्दी उजवी हती। एमणे 250 करता वधारे ग्रंथों लखेला हता, तो मैं एमने 10 दिवस बराबर ऑब्जर्व कर्या। तमने आश्चर्य थशे, एमने शब्दकोश लख्यो छे, गुजराती शब्दकोश। मानो कि रेलवे फाटक होय, अने रेलवे फाटक में अमारी गाड़ी उभी रही होय तो आपणे शुं करीए, उभा रहीने नीचे लटार मारीए, या त्या सिंग चणाने लारी होय तो त्या जईए, क्यांक टमेटा मळता होय ते जईए, एवुं बधुं करीए ने। मैं जोयुं कि जेवी बस उभी रही नथी के पोताना थेलामां चोपड़ो काढ्यो नथी, तरत आम लखवानुं चालू ज करी दे, अने फरी पाछी फाटक खुले अने बस चाले, पछी आमने मूकी दे। मने एम था कि आ माणस समय ने केटलो बधो उपयोग करे छे। रात्रे क्यांय पहोंचवानुं होय, धर्मशाळामां मैं उतरता तो हूँ एमना माटे के पथारी पथारी लेवा जाऊँ, ए पहला तो पोतानुं जे थेलो हतो एनुं ओछुं करीने सूई गया होय, तो मारे एमने रात्रे उढाड़वा पड़े कशुं नहीं, कोई अपेक्षा ज नहीं। त्यारे हूँ जोतो तो आ व्यक्ति आटलू बधुं काम केवी रीते करी शक्या हशे, समयनो एटलो अद्भुत उपयोग करता हता। ए मैं एटला आम अने बारीकाईथी मैं जोयुं छे ने,
અને હું મને તાજ્યુબ હતું અને એમના જીવનક્રમની એમની અંદર પૂજા પાઠ લેખન વાંચન આ ચીજમાં કોઈ એક મિનિટનો ફરક નહોતો પડતો અને 10 દિવસનું એટલું હેક્ટિક શેડ્યુલ હતું એ ઘરે રહીને જેટલા કામ પૂરા કરતા હતા એટલા જ કામ એમણે પ્રવાસમાં પણ પૂરા કર્યા એટલે મારા મન પર એની અસર હતી અને 85-90 વર્ષની ઉંમર આપણા ઘરમાં આપણા દાદાજી 85-90 વર્ષના હોય તો શું કરતા હોય તમને ખબર છે ને આ 85-90 વર્ષની ઉંમરે અને 103 વર્ષ જીવ્યા હતા જીવનને કેટલું પરફેક્ટ એમણે રાખ્યું હશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો તો સમયનો સદુપયોગ આ મંત્ર લઈને જો ચાલીએ કરવા જેવા કામોને પૂરા કરવાનો આગ્રહ રાખીએ કામમાં આનંદનો ભાવ અનુભવીએ તો આપણને ચોક્કસ પરિણામ મળે